रहीम, सबसे पहले ये बात, ये जो अभी यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है ब्लड डोनेशन कैंप का, ये 313 ब्लड डोनर्स कश्मीर है, और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ नहीं है, ये एक वॉलंटियरली ग्रुप है जो सिविल सर्विस, सोशल सर्विस करने के लिए निकला है। तो इससे पहले हमने बहुत सारे कैंप्स किए थे, रिसेंटली हमने जीडीसी चाड़ोरा में रिसेंटली कैंप किया था 313 का, और अब हमने नेक्स्ट कैंप जो है जीडीसी खान साहब में यहाँ पे अरेंज किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं यहाँ आया हूँ ब्लड डोनेशन करने के लिए। यहाँ पे एक यंग यूथ, हमारी जनरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन यंग जनरेशन है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ये कैंप। यहाँ पे मैं ब्लड डोनेट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हर एक जानता है कि ये कितना बड़ा काम है, बड़े सदक़े का काम है, इससे बड़ा कोई सदका नहीं हो सकता। तो मैं भी अपना खून अतिया करने के लिए आया हूँ। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का जिसने मुझे ये एजाज़ अता दिया। सर, आप कैसे देख रहे हैं ये जो 313 ब्लड डोनेट्स करते हैं, हर जगह जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या ऐसा लगता है ये इसका? ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं परसों इनसे मिला था, जो सारे लड़के हैं अभी मुझे नहीं लगता कि ये इनकी एज जो है 20s में भी होगी, दे आर इन दियर टीन, एंड आई थिंक दिस इज बेस्ट स्टेप, दे आर गोइंग फॉर अ बेटर फ्यूचर इंशाल्लाह। और मेरी जो उम्मीद है फ्यूचर से, इन जैसे लोगों को देख के मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है सेफ है। जी, उनके लिए तो यही है कि वो अपने दीन से जुड़े, हमारा दीन इसके कतन इसको एलो नहीं करता, दीन से जुड़े, अपने जो प्यारे हैं उनसे जुड़े, अहबाब से जुड़े, और इससे नजात पाए, क्योंकि ये उनके हित में है ही नहीं। उनको लगता होगा कि ये पल भर की खुशी है और सदियों का गम है। मैं यही कहना चाहूँगा इसके बाद। ये रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दाऊद साहब और इनकी जो टीम है, या 313 ब्लड डोनर्स कश्मीर है, इन्होंने ये जो ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्कद किया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दिस खान साहब जो एरिया में, हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वी आर हाईली थैंकफुल टू यू देम। मैं आदमी अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर मुजफ्फर शेरवानी साहब की तरफ से भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ये इन्होंने आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्कद किया यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ब्लड डोनेट करने से इंसान को साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती है, आपका फिजिकल हेल्थ ठीक होता है, आपका सेहत ठीक रहती है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का, जो हार्ट अटैक्स के जो प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल, वो कम हो जाती है। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, साल में 4 दफ़ा लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ये अब काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी है। 18 साल की उम्र से ब्लड डोनेट करते हैं और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज तक ब्लड डोनेट होता रहता है, औरतें भी करती हैं, मर्द हजरात भी करते हैं। बिल्कुल, रिसेंटली इन्होंने ये काफ़ी गियर अप कर दिया है और वॉलंटियरिज्म बहुत कर दिया, पूरी पब्लिक में, सोसाइटी में इन्होंने अपना छाप छोड़ के रखा हुआ है और बता दिया हुआ है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। इनका अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ देखिए आप कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, ये हमारे साथ इस टाइम इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इनके एक सिस्टम है यहाँ पे, इन्होंने एक ब्लड डोनर्स का एक सिस्टम रखा हुआ है ये, और पब्लिक में मोटिवेशन हो रही है, तो ये नेकी का काम है, सदका जारी है। लोग, बच्चे लोग आजकल कोई ड्रग एडिक्ट वगैरह या कुछ उन चीज़ों में लग चुके हैं, बेहतर है उन चीज़ों को छोड़ के अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, तो मुझे लगता है ये दिस वंडरफुल, आई एम सल्यूट देम। जम्मू कश्मीर का नंबर वन स्कूल जीडी गोइंका अब आपके शहर बारामूला में, ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोइंका बारामूला में तशरीफ लाए। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वंडरफुल जर्नी एंड अ कैंपस टूर विद जीडी गोइंका। I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. Admission ke liye is number pe rabta kare 1800889080. I am Raja Bukhari.
trustee and the secretary of GD Goenka Public School, Baramulla. We developed this school with the intention to impart a quality education to the children of the J&K UT. We are simultaneously constructing a hostel facility for the students of J&K and outside J&K. So we can target outside students also in our school. This school has got 150 canals of land. GD Goenka's public school campus is separate in the 150 canals of the land. We are having a huge building which can accommodate 6,000 students in one go. We have created a beautiful environment.